करूंगा, अपने पूर्वजों की भूमिका, अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। आइए आइए मिलकर मिलकर प्रेरित प्रेरित करें बिहार, करें बिहार। धन्यवाद। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को वरन रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर गांव हर जन तक पहुंचेंगे और मिलकर हम ही लोग बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे, 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। गंगा के बृहद तट का रहने वाला हूँ, गांव का नाम ही बृहद है जहाँ से मैं हूँ, और कहीं न कहीं पहली डुबकी जो मुंडन के समय लगी उस समय से ही एक आध्यात्मिक संबंध सा स्थापित होता चला गया जो वर्षों तक गतिमान है। डीआईजी बनने के बाद जब भागलपुर गया तो इस पूरी यात्रा को मैं स्मरण करने लगा और तब गंगा किनारे बैठकर चिंतन करने लगा कि अपने जीवन काल की सार्थकता कैसे हो, और उसी में कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि गंगा से एक ध्वनि निकल रही है जो बता रही है कि तुम प्रेरित कर सकते हो, बता सकते हो, एक संदेश बनकर युवा मन में गूंज सकते हो जो इसी भूमि की सुसुप्त चेतना को सभी के मनों तक पहुंचा सकते हो। और तब धीरे धीरे उस क्रम ने इस रूप को लिया कि वर्ष 2021 के मार्च में मैंने आह्वान कर दिया कि आइए मिलते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। उसी अभियान ने लेट्स इंस्पायर बिहार के रूप में एक सुसुप्त चेतना को जागृत करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसी गंगा के तटों को पार करते हुए तो विदेशों से यात्री आते थे, और तब मन कहता है कि उस काल में जब संसाधन नहीं थे, इस भूमि में ऐसी क्या बात थी, कौन सी चेतना थी जो यहाँ के युवाओं को जागृत कर रही थी, नेतृत्व के लिए अग्रसर कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, उस पार तक जाकर सभी को उस विद्या की ज्योति का प्रसार करने के लिए कुछ तो बात रही होगी। और तब मन कहता है, जब वार्ता करना प्रारंभ करता हूँ, कौन सी ऐसी चेतना थी जो आज कहीं विलुप्त सी प्रतीत होती है, क्या कारण थे कि भूमि बढ़ती जा रही थी, नेतृत्व कर रही थी, आज क्या कारण है कि जब देखते हैं तो विकास की श्रृंखला में जहां विश्व गतिमान है, भारत भी गतिमान है, निश्चित यह क्षेत्र भी गतिमान है, परंतु गति कम है। तब गंगा स्मरण कराती है उस समय का जब सोच बड़ी थी, कभी इसी क्षेत्र में वेदांत का दर्शन संभव हो सका था, बिल्कुल उसी विस्तार की ओर ज्ञान प्रसारित हो चुका था, इसमें भेदभाव नहीं था, जाति की संकीर्णता नहीं थी, तभी तो इसी मगध में, इसी पाटलिपुत्र में ऐसे शासन का उदय हुआ जिसका प्रारंभ कभी न कभी नंदवंश से हुआ था, जो उस समाज के भाग से आता था जो सबसे पिछड़ा माना जाता था। ऐसी कल्पना, ऐसी सोच कैसे संभव हुई, इसलिए हुई चूंकि हम भेदभाव से परे सोचते थे। आज यदि हम पिछड़ चुके हैं उसी भूमि पर जिसको गंगा ने कभी उस रूप में देखा था, तो माता साक्षी है, सोच मानसिकता की संकीर्णता ही कारण है जिसके कारण जहां हमें रहना चाहिए था नहीं है। यदि हमने आज उस सोच को बदल दिया तो मानो गंगा कहती है कि युवा अगर जाग गए और जाग कर उस रूप में उन्होंने चिंतन प्रारंभ कर दिया, चिंता छोड़कर चिंतन करने लगे, संघर्ष छोड़कर सहयोग करने लगे, निश्चित जब तब ऐसा कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जब मैं माता से इस रूप का संबंध देखता हूँ तो सोचता हूँ, इस धारा के विस्तार के समक्ष न तो मैं कोई नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन एक चिंतन के साथ निश्चित इस भूमि पर उपलब्ध हूँ उस पुत्र के रूप में जो चाहता है इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो, इस क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल हो। और तब जब माता स्मरण कराती हैं कि ऐसा करने की क्षमता हम में है, सामर्थ्य है, तो फिर देर किस बात की है, क्यों ना उस आह्वान के साथ हम बढ़ना शुरू करें, लोगों को जोड़ना शुरू करें और प्रेरित करें कि तुम कर सकते हो। इतिहास ने देखा है, गंगा साक्षी है, जब तब कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। मिलते हैं, मिलकर कुछ करते हैं, अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करते हैं जिससे उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हम बन सकें और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें।